15 अगस्त 1947। देश की आज़ादी के साथ ही हमें अपने हिसाब से जीवन जीने समेत तमाम तरह के अधिकार मिले। आज की पीढ़ी उस दौर के जीवन की शायद कल्पना भी ना कर सके कि हमारे पुरखों ने क्या कुछ कहा। आज की पीढ़ी उस दौर के जीवन की शायद कल्पना भी ना कर सके कि हमारे पुरखों ने क्या कुछ सहा। लेकिन आज भी कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो उन्हें जिंदा रखे हुए हैं। ऐसी ही एक संस्था है सोशल जस्टिस फाउंडेशन, जिसे चलाती है देहरादून की आशा टम्टा। दरअसल उनके पिताजी जोगा राम आर्य भी एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और आज उनकी 100वीं जयंती है। इस मौके पर उनकी संस्था सोशल जस्टिस फाउंडेशन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी कल्याण समिति के तत्वाधान में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। देहरादून नगर निगम के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में 100 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मेयर सुनील उनियाल गामा ने किया। इस दौरान आशा टम्टा ने अपने पिताजी के जीवन और आज़ादी में उनके योगदान को याद किया। आज मेरे पूजनीय पिताजी स्वर्गीय श्री जोगाराम आर्य जी की 100वीं जयंती है, तो इस अवसर पर मन में विचार आया कि जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके उत्तराधिकारी हैं, उनको सम्मानित किया जाए, तो ये आयोजन हमने किया है। आज 100 से भी ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारी सभी परिवार यहाँ पर मिल रहे हैं, आपस में मेलजोल हो रहा है, सबसे बड़ी खासियत तो यही है। दूसरा, जो मेरे पिता थे स्वर्गीय श्री जोगाराम आर्य जी, वो बहुत महान विभूति थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के अतिरिक्त वो एक सामाजिक क्रांति के भी जनक थे। जो पिछड़ा समुदाय है, दलित समुदाय है, उसके लिए उन्होंने बहुत काम किया, यहाँ तक कि अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो बहुत विशेष दिन है आज, क्योंकि उनकी 100वीं जयंती है, तो मेरे लिए तो विशेष है ही, समाज के लिए भी विशेष है। उनकी 100वीं जयंती के मौके पर 100 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। ये प्रोग्राम आज आयोजित हो रहा है बाबूजी की स्मृति में, जोगाराम आर्य जी की 100 वर्ष हो गए आपको, और आपने बहुत कुछ देखा, आपने बड़ी यातनाएं सही आने वाली पीढ़ी के लिए सही, ठीक है, और हमें ये आजादी मिली। लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है, सरकारें तो बहुत सारी आती हैं और जाती हैं, लेकिन जब हमें ऐसा महसूस होता है कि इन स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की कहीं उपेक्षा हो रही है या इनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो एक बड़ी तकलीफ होती है जिसका वर्णन हम इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हम शायद कुछ चीज अपने लिए ऐसे तो नहीं मांग रहे जो कि हमें नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन हमारे दिल में जो पीड़ा और वेदना एक होती है, वो अपने आप में एक ऐसी चीज है जो हम भूलते नहीं है। कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों ने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया, तो वहीं कार्यक्रम में उपस्थित महानुभवों ने भी जोगाराम आर्य के बलिदान को याद करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के महत्व का जिक्र किया। बहुत ही सम्मानित पिछड़ा आयोग के हमारे अध्यक्ष और नगर निगम में भी आपने लगातार कई वर्षों तक जो है नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है, ऐसे हमारे आदरणीय अशोक वर्मा जी, हमारे जनकवि, जब उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो आपके गीतों ने इस उत्तराखंड की भी आज़ादी दिलाई, उत्तराखंड राज्य भी बनाया, ऐसे अपने आदरणीय हमारे अतुल शर्मा जी, हमारे जिनकी अभी पुस्तक का विमोचन हुआ, ऐसे अपने आदरणीय MR सकलानी जी, और सभी यहाँ पर उपस्थित स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सभी सदस्यगण, आज यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों को याद किया जा रहा है, उनकी
शताब्दी में ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। इसके अलावा कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियालगामा ने भी स्वर्गीय जोगाराम की आजादी में योगदान को नमन किया, साथ ही सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को साधुवाद दिया और उनकी सभी मांगों को पूरा करने की कोशिश करने का भरोसा दिया।